तो बोलना शुरू करती हो ना
क्या मौला, ऐसी बात तो पैदा होती मर जाए तो अच्छा, कम से कम लौंडों को ही दिन तो ना देखना पड़े। जाओ ना, मैंने आज एक बहुत उम्र की तो भाई तो नाकर आप मंगवा दिया।
रिकॉर्ड का है को पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बुलवा लेते हैं। अब ऐसा खुशी का मौका कोई बार बार तो आता नहीं है। और सच कह देता हूँ, ये तुम्हारे रिकॉर्ड और ये तुम्हारी सहेलियाँ, इन्हीं ने डैडी को भागने पे मजबूर किया हुआ। और वैसे तुम्हारी सहेली आती है ना, वो जिस तुमसे बातें करती रहती है, ठीक ही की करके करती है। एक ही शादी करके पछता रहा हूँ। मुझे भी आपकी राय से इत्तेफाक है, सयानों ने भी सच कहा है, पक्षों की मुर्गी मुर्गा लंडूरा ही भला। खुदा गवाह है, मैंने इस गलती की शुरुआत नहीं की, मेरे अब्बा के पास पूरे 6 रिश्ते आए थे, सब पीछे पड़े थे। किस चांद के टुकड़े को दामादी में दे दो, हमें दामादी में दे दो। अगर नहीं, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है भाई। दो को मैंने रिजेक्ट किया, दो को अब्बा ने, और बाकी दो ने हम दोनों को रिजेक्ट किया। शुक्र खुदा का, छाई छत से बच गया। ताजे कबाब तले हैं हुजूर, जरा चखिए। वाह, कबाब तले जा रहे हैं। आधा पता जाता हुजूर, बिरयानी तो बस तकरीबन तैयार है। Thank you.
लॉस्ट ओलंपिक्स क्रिकेट खेलते हो और ना भी नहीं जाते मस्ती ओवर के बाद पुरानी के ऊपर घर नहीं जाते ओ माय मामा एंड वी नीड लोकल बहुत पॉसिबल है कि हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया हो अब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है अरे
गया, मगर हुजूर जब कभी कभी कोई चीज गलत हाथों में पड़ जाती है तो खुदा कसम दिल निकल जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब डैडी के बारे में सोच रहा था, न जाने बेचारे कहाँ होंगे, किसके हत्ते लगे होंगे। अभी बंदा नवाज, मैं तो ये कहूँ कि सब मरा मुकद्दर का खेल है, किसके हिस्से का माल किसके हिस्से में पड़ जाए कौन जानता है। डैड की तस्वीर किसने उलट दी? ये घर वाले भी ना एक और बग सगुनी क्या करते हैं। Thank you.
वातावरण आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सरोद वादन सुन रहे थे, वादक कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खान। अब मथुरा से खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। हमें सूचित किया है श्री विकास भटनागर ने कि उनके पिता परसों शाम से लापता है। उनके पिता का नाम है श्री बद्रीनाथ भटनागर, जो कि परसों शाम से लापता है। आयु उनकी 60 वर्ष है। रंग गंदमी, शरीर जरा भारी है। कद 5 फुट 9 इंच है। उनकी मूछें काफ़ी घनी है। घर से गायब होते समय उन्होंने धोती कुर्ता सदरी और चप्पलें पहनी है। सर पर टोपी, काले फ्रेम का चश्मा और कंधे पर एक साइड बैग है। हाथ में छड़ी है। उनके पाए जाने की संभावना कहीं भी है। बद्री भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 50,000 रुपये नकद दिया जाएगा। जी हाँ, 50,000 रुपये नकद। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी, मथुरा। पता एक बार फिर सुने। बच गए नैनी रेडियो पर भी। अब उम्मीद है कि शायद वापस आ जाए। पूरे शहर को तो यह पता लग ही गया है कि किस कदर भगोड़े बाप थे। हम तो इस घर में बैठे रहो और दुख बनाते रहो। ये भगवान मीनू, कम से कम कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। कुछ भी आता अंडी शंट बोलते चली जाती है। तो पुराना मानना रख दिया, डैडी को भी भागने से पहले सोचना चाहिए था। क्या यही मौसम रह गया था भागने के लिए? बरसात में टूटना भी बना सकते हैं। डैडी को मायने कहीं तो बरसात में प्रॉब्लम होना चाहिए। सोच तो लिया करो। बोलते हो कहना तो नहीं चाहिए पर कहना पड़ता है। क्या डैडी को नहीं पता भूकंप में गग्गू भाई लगी है? क्लब का एनुअल फंक्शन है और तो और मेरे पापा के फ्रेंड टाइगर का बर्थडे भी नजदीक आ रहा है। अब ये सब निपटा जाते तो उनको भागने में क्या बिगड़ जाता? तू हेल्प विद योर गग्गू भाई। कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी तो डैड को यूँ घर छोड़ कर जाना पड़ा? और मेरे डैड कितनी कितनी मिन्नतों के साथ इस घर में इसको लेकर आए थे। और ये मेरे डैड को आज कुत्ते की बर्थडे पार्टी इसके साथ कंपेयर कर रहे थे। व्हाट अ हिपोक्रेसी। क्या अब मैं हिपोक्रेट पे हो गई? कल को ये इल्जाम भी मेरे सर पर आएगा कि मैंने उन्हें डांट पड़ता बका दिया। ओ गॉड, कैसे ये घटिया बातें मेरे रिश्तेदारों में डैडी ने सुनी तो क्या कर लेंगे? तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे ना। कॉल देम हियर एंड माइनस योरसेल्फ फ्रॉम दिस हाउस। निकलो यहाँ से। ओके नूर, नूर आया। हुजूर आया। पैक अप माय ऑल। तुम लॉन्ड्री से मेरी साड़ियाँ लेकर आओ और मिस्टर राजा से मेरा नेकलेस। मैं अभी इस घर में और नहीं रह सकती। माँ हुजूर, कुछ नामकूल को बीच में दखल तो नहीं देना चाहिए, मगर आप खुद ही सोचिए कि यूं ही आप एक एक करके इस घर से रुखसत होते रहे तो इस घर की बत्ती और टेलीफोन शर्तियाँ कट जाएगा। बजाय इसके कि खोए हुए को हासिल करें, जो हासिल है वो भी खो रहे हैं। आस पड़ोस वाले मुंह चौड़ा किए तिल का ताड़ बना रहे हैं। मेरी नाचीज राय यही है हुजूर कि थोड़ा ठंडे मिजाज से काम लेना बेहतर होगा। घर से निकलने की बात उठाई क्यों? अब उठ गई यूं ही गुस्से में हुजूर, तो उसे बिठा देना ही बेहतर है। अक्सर जब दिमाग परेशान होता है ना तो जबान से और फौल निकल ही जाता है। बिल्कुल ठीक कहता है डाले। देखो मुझसे ही गलती हुई, आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। लेकिन क्या कहूँ, इस मोहल्ले में ना उतनी ही बातें हो रही हैं। बल्कि यूँ कहिए हुजूर, जिनका घू नहीं है ना वो भी बातें बना रहे हैं। वो 511 वाले, खुदा कसम मैं तलब तलब कर रह गया। टेडी के बारे में मुझे कुरेद रहे थे। अल्लाह ने खुद तो निगोड़े को बाप दिया नहीं, मगर दूसरों के बाप में जरूर रोज नाम चलता रहता है। कहने वाले तो कहेंगे ही, आखिर भागने की जरूरत क्या थी? हे भगवान, फिर वही भागने का लग। अभी कैसे कह सकती हूँ कि डैडी भागे? भागने की बात इस उम्र में मेरी भी समझ में नहीं आती। जरूर आहिस्ता 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 ही गए होंगे। तुम चुप रहो, यहाँ सवाल स्क्रीन पे नहीं है। घर से भागने का है, आगे घर छोड़कर गए क्यों? अरे ये तो जब वो वापस आ जाए तो उनके मुंह से सुन लेना कि गए क्यों। अरे आएंगे क्यों नहीं, जरूर आएंगे। मैंने एक से एक पुराने कबूतर को अड्डे पर लौटते देखा है। कहाँ है वो?
बाकी के 25% डैडी कहाँ हैं? काश आप चवन्नी भर और लंबे होते। Thank you.
प्रचार कर सकती है आपकी, भला बात वही सही जिसे दस लोग कहें। वैसे क्या नाम बताया हुजूर इस जलसे का, इसको होता क्या है, कुछ मुशायरा वगैरह? शैली में क्या खूबियां है मालूम है आपको? सब कुछ रस्मी तौर पर होता है बस, बाय द वे। मतलब? मतलब कि बहुत अच्छे थे, नेक चलन थे, समझदार थे वगैरह वगैरह। ओह गॉड, तो ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अरे नेक चलन और समझदार होते तो घर छोड़ के भागते क्या? अल्लाह, ये नहीं रुकता है, फिर आप क्या कहेगी? अच्छी मेरा ख्याल है आप तो साफ साफ कह दीजिएगा कि निगोड़े थे, कवाड़ा थे, उठा थे, बढ़ऊ थे, अचलन थे, बेचैन थे। बको मत, कोई भी बहू अपने ससुर के लिए ये सब नहीं कह सकती है। तो बिल्कुल नहीं कह सकती है, फिर आप क्या कहेंगी? हाँ मेरा ख्याल है आप तो सिर्फ औरों को ही बकने दीजिएगा, आप तो चुपचाप बैठ के रूमाल से आंखें पोंछती रहिएगा जैसे पिछले दो दिन से यहाँ पोंछ रही हूँ। ये तो करना ही पड़ेगा, हो या नहीं। वैसे मैम साहब अच्छा नहीं लगता कि आप
उनसे उनके बेडरूम में लाहौल वाला। अरे 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 क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अब आप खुद ही सोचिए मलिका रंगो रू, देखिए ताजा फल शाम पर अच्छा लगता है या फ्रिज में? आप इस कमरे के खुशगुमार माहौल में किस कदर उमदा लग रही है। आपके लिए कुछ लाता हूँ। वो रहेंगे तो लोग नीलू सीधी यहीं आएगी ना जी? नहीं तो गम के बाद गम गलत करने जाएंगी वहाँ। हाँ पेंशन यार्ड क्लब में। पेंशन यार्ड? ओ वाह व्हाट अ क्लब। मैं चलती हूँ, नीलू से वहीं पर मिलूंगी। मैम साहब पैसे थोड़ी देर और बैठती तो तबीयत जरा यूं यूं रहती। मतलब देखिए डैडी के जाने के बाद दिल फ्रैक्चर हो गया, सांस आई तो प्लास्टर हो गया। ऐसे यूं ही आने जाने से दिल लगा रहता है। अब मैं इस दुनिया में रखा ही क्या है, कुछ ले आता हूँ। जाइए जाइए, जाने वाले को किसने रोका है? अब ये डैडी ही चले गए तो मैंने कौन सी इनकी धोती पकड़ ली। अब ये आना ही है तो जा क्यों रही है? खैर खुदा खुश रखे, खुशबूएं बनी रहे। देखा डैडी कुछ लुत्फ आया, आती जाती कही है इनकी बात कुछ और। खुशबुओं पर तो सबका हक होता है, यानी कि माइंड ना कीजिएगा। अरे घर में कोई है? और नहीं तो क्या सब भाग गए? कौन साहब है? अरे साहब चले गए लंदन, अपने कामरूट को यहाँ छोड़ रहे। हराने वाला साहब नहीं होता भैया। गुस्ताखी माफ, आप साहब ना सही भिख मंगे सही। है क्या चीज? सब कुछ बताएंगे, पहले ये बताओ श्रीयुक्त विकास नाटक का बंगला यही है? सही है, आगे चलिए। अभी कैसे? अभी अभी तो पधारे हैं। आटा लेंगे या कुछ नगद? नहीं दोस्तों, हम किसी यतीम खाने से नहीं आए हैं। ओहो हो, गलती हो गई। वैसे आप लगते तो यतीम ही है। खैर ठंडा गरम तो लेकर ही चले होंगे। सो कैसे ले आओ, अपनी भक्ति अनुसार चुनको चुनको ताजा बनाओ, लेकिन याद रहे हम मिष्ठान पसंद करते हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ टॉमी तक को डायबिटीज है, आस पड़ोस तक में मीठा नहीं पकने देते। आगे चलिए, अपने मालिक को यहाँ भेजो। तुम सुनो तो पंडित जी, अपना बच्चा समझ लीजिए। वैसे कुछ नाम पता शहर पिन कोड वगैरह बताएंगे? सो क्यों, हम यहाँ कार्य बस आए तो रेस्ट की तरह नहीं आए। छोड़ दो तीन कार्य बस आए तो रेस्ट कराने नहीं आए। तो नाम वगैरह कुछ बताएंगे? हमारा नाम तिवारी है, तिवारी बुलाने बुलाओ। अरे कौन से तिवारी, यहाँ कम से कम 45 तिवारी आते हैं, खाना बनाने वाले महाराज से लेकर मिनिस्टर तक। भगवान आप मेरे भाई की गीत माला की कड़ी के कौन से पायदान पर है, यानी इस्म शरीफ? हाँ, पहले मुझे बताइए ना क्या खबर लाए हैं।
जाता हूँ। हुजूर, हुजूर। नौकर तो बड़ा चांडाल प्रतीत होता है, पता नहीं मालिक कैसा होगा, लेकिन हमें क्या, हमें तो इनाम के 50,000 रुपए से हुजूर। नमस्कार बेटी। नमस्कार बेटी, आप डैडी के बारे में कुछ खबर लेकर आए हैं क्या? अरे साहब, खबर कैसी, मुसल्लम डैडी लाए हैं। श्योर, कहाँ है डैडी, साथ में नहीं है? लगभग यही समझ लीजिए, रेडियो पर जब से आपके पूछे पिताजी खबर सुनी हम अधीर हो गए थे, बस छूटे के लिए आपके पिताजी खोज में है। भाई ये बाप का दर्द बाप ही समझ सकता है, क्योंकि स्वयं हमारे 8 पुत्र हैं। अभी आगे भी उम्मीद है। तो चुप कर, पंडित जी थोड़ा पतला करके बोलिए, इतनी गाड़ी बुद्धि मुझे कब से चल जाती है। हाँ भी पटाना आता है, हाँ तो हम कह रहे थे हमने अथक परिश्रम के उपरा उन्हें खोज निकाला है। अजी आपका अहंकार है मेरे ऊपर, पर डैडी दिखाई नहीं दे रहे, इनके बल भारी हो रहा है उनके बगैर अब तो। पंडित जी वो क्या कहते हैं, हम लोग प्राप्त दुखी है। वो प्राप्त दुखी पर्याप्त दुखी होता है। हाँ कोई, हाँ तो विकास बाबू आपने रेडियो में कुछ संबंध में पूछना की थी, शायद 50,000 रुपये। अजी की थी बिल्कुल 50,000 रुपये की थी। पहले डैडी को तो आने दीजिए। हाँ बुलवा लेंगे, बुलवा लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, आप ऐसा कीजिए अरे पंडित जी मुझ पर भरोसा रखिए। अरे भाई मैं इतना टुच्चा आदमी नहीं हूँ कि आपके पैसे डकार के ले जाऊंगा। और हम भी इतने टुच्चे नहीं है विकास बाबू कि आप तो पिताजी को डकार जाए। समय कीजिए, समय ही बड़ा खराब चल रहा है, वक्त पर पड़ने पर लोग बाप को पता कहने लगती और वक्त निकल जाने पर अरे तो बाप कहने लगते हैं दूसरा है। कब 5.6
पहचानता
जो मुनासिब प्लास से दूर हो जाएगा। अरे भाई बाबू अभी ना
आप भाड़ में जाएं, को भी लेते जाइए, जैसे यहाँ ला कर आपने बच्चे को बदगुमान कर रखा है। साहब बहुत हो गया, तय समय भी आ सकता है, 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं, आप इस घर के चचा हो या ताऊ, अभी इस घर में हम दोनों की हैसियत बराबर है। क्या क्या मतलब? मतलब यही कि एक बाप आप लाए हैं और एक बाप हम, अभी दोनों में से किसी को इनकी नेबंदियत में कबूल नहीं किया है, यही ना? हाँ सुनान जे, हमारा और आपका चर्चा बराबर है ना? हाँ हाँ, हम दोनों ही बाप खड़ोस हैं, है ना? हाँ क्या होगा चेंज इस वक्त खाक रहा हुआ हाल में बाप? इसका क्या मतलब है चाचा? देखिए भाट सी है, मतलब हुआ कि जमीन की खाक और जन्नत का क्या मुकाबला। आप अपने आप को जमीन की खाक क्यों कहते हैं? ये अच्छी बात नहीं है। बेटे तुम्हारी पैदाइश से पहले इस घर में आ रही, मगर ऐसी बेअदबी और जबरदस्ती कभी नहीं देखे। बदली ना ओफो हवास हो बैठे, वरना खुदा कसम ना जाने क्या होता। जरूर हो जाता वो असली बद्रीनाथ होते तो। अरे पंडित जी कोई गैस होगा।
मेरे असली डैडी हो ना। असली डैडी है क्या बाबा? तुम नहीं हो मतलब भैया, ये नहीं बोला बाप की पहचान ढूंढ गई। असली डैडी देखो तो बाप को नहीं पहचान रहा है। पहचान तो आप ही नहीं रहते चाचा, आप उल्टी गंगा बहाने लगे। देखिए असली डैडी, मेरा मतलब देखिए हुजूर, मैं इस घर में पला एक अदना सा नौकर हूँ, फिर भी यहाँ ये सब हंगामा मचा है। अगर आप ही हमारे असली डैडी हैं तो फिर वो कौन है जो अंदर आपके बेडरूम में आराम कर रहे हैं? मेरे घर में और मेरे बेडरूम में अरे गहरे आराम करवा रहे हैं। देखता हूँ कौन है जी। अभी आया। अरे ऐरा गहरा ना कहिए प्रभु, वो भी एक प्रकार के डैडी है। दिमाग पे सदमा है। और इन दिनों ये है मेरे बचपन के दोस्त,
बाबू प्रभु दया प्रभु दया तुम इन दिनों ये है मर्जा भजन इकाई भाई मिर्जा हम लोगों ने कॉलेज के दिनों में फैसला किया था एक ही पोशाक पहनेंगे धोती कुर्ता सदरी और तो और एक ही मूछ रखेंगे और देख आज तक ये बातें चले आ रहे हैं भाई प्रभु दया हम तुमसे बड़े नाराज हैं आज तुमने बड़ा हंगामा खड़ा किया अरे हम तुम्हारे घर बनारस पहुँचे और वहाँ पता लगा कि तुम घर से भाग गए हो चारों तरफ लड़ाई हो रही है अरे रेडियो अखबारों तक में दे दिया गया बड़े अजीब हो यार रेडियो अखबार में तो हमने आपका यहाँ पे भी दे दिया है तभी तो हुजूर यहाँ रेडियो की लाइन लग गई मथुरा बनारस आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं हमें बनारस से श्री अमन शर्मा ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री प्रभुदयाल परसों शाम से लापता हैं उनका शरीर जरा भारी रंग गंदुमी है उनकी आयु 60 वर्ष है उनका कद 5 फुट 9 इंच है वो परसों शाम से लापता है उनको ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 रुपये नकद दिया जाएगा जी हाँ 50,000 रुपए नगद वाह 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 मजा आ गया हो गया इंतजाम हो गया क्या हो गया पंडित जी कोई बाप हाथ लग गया क्या जिसने चोच दी है वही अपने का इंतजाम करता है अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं आप पर भी इनाम घोषित है आप हमारे साथ बनारस चलिए 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 अरे चलिए अरे छोड़िए हमें आपने हमें बड़ा सुख दिया है ना हम यहाँ बद्रीनाथ का मकान पूछ रहे थे और आपने आपने हमसे अपना उल्लू सीधा करना चाहा पंडित जी निकल जाइए यहाँ से निकल जाइए ठीक है हम प्रस्थान पथ की ओर अग्रसर होते हैं पतला करते जाइए पतला करते जाइए हर बात में पतला कीजिए बताओ ये तो इतनी बड़ी दुनिया है इतने सारे लोग हैं इतने सारे बाप हैं कोई ना कोई तो भागेगा ही क्या भाई साहब चलिए हम चलते हैं चलो भाई ऑल इज वेल दैट एंड्स अंत भला तो सब
अच्छा लगता है। सभी पात्र एक बार फिर स्टेज पर आए। और मैं अपने अजीज दोस्त दीपक शर्मा को आमंत्रित करूंगा कि वो सभी पात्रों का कोई बात नहीं आनी। मैं चाहूंगा सभी पात्र स्टेज पर आए और उनका परिचय आपसे होना जरूरी है क्योंकि मथुरा की इस छोटी सी जगह में नाटक कर पाना और नाटक इस स्तर पे कर पाना ये अपने आप में ही बहुत अनूठी बात है। तो मैं चाहूँगा सभी कार्यक्रम जितने भी किरदार हैं सभी स्टेज पे आएं और उनका पात्र परिचय होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आ रहे हैं नागर की जो भूमिका इन्होंने निभाई श्री उदय भारद्वाज जी। ये हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, कई सालों से कई वर्षों से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं नटराज थिएटर के साथ में और अपनी अहम भूमिका वरिष्ठ रंगकर्मी के तौर पर निभा रहे हैं। अगला किरदार है मीनू भटनागर की है खुशी। बद्रीनाथ भटनागर समीर मलिक बाबू प्रभु दयाल ये नकली पिता बने थे। ये हैं अमन शर्मा गूंगा पिता। ये किरदार दो बाप ने तीन किरदार किए हैं और शायद आपको पता भी नहीं चला होगा। दो बाप हैं जिन्होंने तीन किरदार किए हैं, गूंगा पिता बने थे ये इन्हीं में से समीर और अमन। लिली का जिन्होंने रोल निभाया वो है अपूर्वा गुप्ता। मिर्जा फजल इलाही बड़ा ही अच्छा किरदार रहा माननीय दिनेश गुर्जर। पंडित अनोखे लाल तिवारी का रोल निभा रहे हैं हमारे आकाश जी। मिस्टर लॉन्ग जिन्होंने गोल्फ खेला था वो हैं सुमित राजपूत। सस्पेंस ड्रामा म्यूजिक और दूध वाले का किरदार निभाया है सूरज राजपूत। और आप सबके चहेते इस कार्यक्रम की जान इस नाटक की जान माननीय नूरबख्श माननीय मिस्टर आशीष। हमारे नटराज ग्रुप की जो जर्नी है बहुत लंबी और बहुत अहम रही है। मैं आपको दो शब्द आशीष जी के बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने अपने रंगकर्मी की यात्रा 1960 से शुरू की थी। कर तो पहले से दी थी, बचपन में ही इनका रंगकर्म का जितना भी यात्रा थी वो शुरू हो गई थी 96 में। इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने बाल कलाकार के रूप में शुरू की। उसके बाद सन 2000 में इन्होंने रंगमंच की मुख्य धारा से जुड़ाव हुआ। उनका ये जुड़ाव रंगमंच के श्री वेद भारद्वाज आप देख रहे होंगे मिंटू दादा के द्वारा हुआ, इसलिए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ द मिंटू भी कहते हैं। हमारे एक नाटक में ही एक वरिष्ठ रंगकर्मी है मिंटू दादा और उनके द्वारा इनको नाम दिया गया डिस्कवरी ऑफ द मिंटू। और कई संस्थानों के साथ में इन्होंने काम किया। सबसे पहले एक स्वास्थ्य रंगमंडल मथुरा, ब्रजवासी रंगमंडल मथुरा, सांकेत रंगटोली, सांस्कृतिक सेवा संस्थान यायावर लखनऊ, संगीत नाटक एकेडमी मथुरा, संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ, ईशान ग्रुप इप्टा, आवाज कला मंच रंगलोक, एकजुट थिएटर मुंबई और गीत एवं नाटक प्रभाग नई दिल्ली आदि संस्थाओं के साथ इन्होंने काम करते हुए इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। और श्री वेद भारद्वाज जी और सर्व संदीपन विवंतकांत नागर, श्री मुकेश शर्मा, श्री एम जी गनी और जगमोहन रावत आदि के साथ में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का सफर तय किया।
और श्री आशीष जी राजपूत को भारत वर्ष में कई वरिष्ठ रंग प्रेमियों से बहुत प्रेम और बहुत स्नेह मिला। ये हमारे बहुत मैनेजमेंट को संभालने और हम सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अग्रसर हैं। चाहता किसी के पिता या किसी के सर्वसम्मान आप सबके पिता अपने उनके साथ सलामत रहें। और उस मर्म में से केपी सक्सेना जी द्वारा इतना बढ़िया नाटक लिखा गया और इतना बढ़िया मंचन इनके साथ किया गया, मैं चाहूँगा आप सर जितने भी कलाकार हैं सभी स्टेज पर रुकें, सभी स्टेज पर आए दोबारा। और मैं अरे सर से दरख्वास्त करूँगा सर दोषक आगे अपने बाप। इस नाटक के हमारे माननीय डायरेक्टर माननीय श्री राजपूत जी और हमारे सभी वरिष्ठ कलाकार, अभी जैसा कि दीपक जी ने परिचय दिया कि स्वास्तिक रंगमंच ने मथुरा में एक वैसे शुरुआत की नाट्य कला की, यूँ कहना चाहूँगा कि बिगनर्स हैं वो मथुरा में नाट्य कला के, और ये लुप्त होती विधा है। और ख़ासतौर पर बड़े शहरों में तो फिर भी कुछ थिएटर्स हैं और दर्शक हैं, छोटे शहरों में कमी है। और मैं एक तो बहुत भरपूर प्रशंसा करता हूँ माननीय राजपूत जी की और उनके सभी समर्पित हमारे कलाकारों की कि जिन्होंने कि अपना अमूल्य समय दिया और इस नाट्य विधा को फिर से जन जन में फैलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कहा जाता है कि हंसाना सबसे कठिन काम है, किसी भी कलाकार काल के लिए सबसे कठिन काम जो माना जाता है एक्टर्स के लिए कॉमेडी माना जाता है। आमतौर पर सबको लगता है बड़ा सहज काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम वही होता है और ट्रेजेडी करना सबसे आसान होता है। आज हमारे बीच में जिन कलाकारों ने आपको बार बार हंसाया और बार बार आपको ताली बजाने पर मजबूर किया, एक बार जोरदार ताली बजाई जाए सबसे पहले तो जो सेट कितना भव्य सेट सजाया गया और कल दोपहर से लाकर के इस गर्मी में कितनी मेहनत करके इतना खूबसूरत सेट सजाया गया। और केपी सक्सेना जो बहुत बड़े व्यंगकार रहे हैं और उनकी लेखन को नाटक रूप में उतारना, उन शब्दावली को जो समय की शब्दावली थी ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत गहरे सटायर उनकी रहती थी, बहुत गहरी व्यंग्योक्ति होती थी, उस बहुत गहरी व्यंग्योक्ति को मैं देखा था बहुत जगह गर्ल्स ने समझा, बहुत जगह उतनी गहरे तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड व्यंग्योक्ति वो थी, बहुत स्टैंडर्ड सटायर था। तो मैं अपने सभी सम्माननीय कलाकारों का हृदय से स्वागत करता हूं अमरनाथ गर्दिनी कॉलेज की ओर से। और आप लोगों ने ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये हर एक के लिए जीवन में बहुत तनावों से भरा हो गया है, खुशियाँ दुर्लभ हो गई हैं, हंसना दुर्लभ हो गया है, जबकि हास्य जो है वो सबसे अच्छा टॉनिक है। तो हमारे बीच में हमारे गर्ल्स के लिए आप लोग हमारे बीच में आए, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की ओर से आप सबको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। कृपया क्या बता करें, मैंने परिचय आपको दिया था डॉक्टर कामराज जी का। डॉक्टर कामराज हमारे स्टूडेंट रहे हैं, बताया है कि कई नाटकों में वीडियो रहे थे और भगत सिंह नाटक में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, बहुत सारे कार्यक्रमों में वो रहते थे, आजकल USA में है, वो हमारे बीच में है, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और मेरे दूसरे बहुत भी मेरे बहुत पीछे मेरे साथ आ जाए दीपक जी, जो कि बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे डांसर और बहुत अच्छे कॉमेडियन, ये भी भगत सिंह नाटक में थे, बहुत सारे एक्टिंग इन्होंने की और ख़ासतौर पे एक बहुत बढ़िया नाटक हम लोगों ने किया था
जिसमें कि वो नकली यमराज बने थे, बहुत भारी कलाकार हैं, उनका आप तो मंच के पीछे हैं, और क्योंकि बाहर रहते हैं वो भी आज जमनूर से मैं निकल के आए, और हमारे प्रिय विद्यार्थी हम सबको बहुत प्रिय हैं, तो मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, उनसे निजी संस्थान परिवार के आप अपनी मंच पर आने की कृपा करें। कमला जी, डॉक्टर साहब आप भी मंच पर आइए, आप भी मंच पर। मेरा जो पीछे कलाकार जो हमारे सहयोगी हैं उनसे सादर आग्रह है कि वो मंच पर अवश्य आएँ। आप लोग अगर नहीं होते तो आगे कुछ हो नहीं सकता था, जो आपने तैयारी की है, जो समय भी में बहुत मुश्किल होता है। ये जो है वो विकास जी हैं, वो बहुत मुश्किल होता है कि टाइमिंग्स को सेट करना। अब आपने गौर किया होगा कि उन्होंने राजपूत जी ने जो कि बने थे, वो नौकर बने थे, उन्होंने ट्रांजिस्टर मारा और तुरंत म्यूजिक शुरू हो गया, ये सब, या जो अखबार फेंका गया और टोपी गिर गई। अगर एक बार फेंकते समय टच नहीं होता और टोपी गिरने वाला सीन में नहीं होता, तो बहुत बहुत बारीकी होती है जो पीछे से मेंटेन की जाती है उस नाटक के अंदर हास्य या कोई भाव पैदा करने के लिए। तो बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया नाटक था। आज शाम के समय फिर से इसका मंचन है, आप लोगों के घर परिवार में जो भी देखने के लिए आना चाहें, आज शाम को 6:30 बजे से है आकाश जी, आज शाम को 6:30 बजे से इस नाटक का मंचन है। आप लोग अपने परिवारजनों को देखने के लिए भेज सकते हैं, और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी जब भी इस तरह के आयोजन हो तो उससे अवश्य जुड़ा करिए। फिल्में तो बड़ी कॉमन है और फिल्मों के अंदर तो कई बार एडिट होकर के एक्टिंग होती है, ये जो होता है ये पहली बार में फुल एंड फाइनल होता है, जो कुछ होता है वो पहली बार में परफेक्ट होना चाहिए। तो बहुत बड़ी विधा है, बहुत हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डिग्री कॉलेज की ओर से।